मेंस्ट्रुपीडिया प्रस्तुत करते हैं हेलो पीरियड्स। ये कहानी है तीन सहेलियों की जो आज आपके साथ एक बहुत ही जरूरी और मजेदार विषय के बारे में सीखने वाली हैं। तो अपने दिमाग के सभी दरवाजे खोल दो और कानों को सतर्क रखो। आओ मिलते हैं पिंकी से। वह आज पूरे 9 साल की हो गई है। उसकी सहेलियां जिया, मीरा और प्रिया दीदी, जो कि एक डॉक्टर हैं, सब मिलकर घर पर पिंकी का जन्मदिन मना रहे हैं। तभी मीरा की नजर दीवार पर लगी प्रिया के बचपन की तस्वीरों पर पड़ी। अरे प्रिया दीदी, आप बचपन में एकदम पिंकी जैसे दिखते थे। हाँ मीरा, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक छोटी सी बच्ची से बढ़कर युवती बनने का सफर बड़ा मजेदार होता है। अच्छा दीदी, हम लोग बड़े क्यों होते हैं? मीरा, हम लोग पीयूष ग्रंथि की वजह से बड़े होते हैं। पीयूष ग्रंथि, ये क्या चीज है? पीयूष ग्रंथि तुम्हारे दिमाग के निचले हिस्से में मटर के दाने जैसी एक छोटी सी ग्रंथि होती है। जब बढ़ने का समय आता है तो पीयूष ग्रंथि तुम्हारे शरीर में कुछ विशेष रसायन छोड़ती है जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं। यह रसायन शरीर के विभिन्न अंगों को विकसित करता है और जिसकी वजह से तुम कई प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक बदलावों से गुजरते हो। किस तरह के बदलाव दीदी? बहुत से बदलाव, जैसे तुम्हारा कद बढ़ेगा, साथ ही साथ वजन भी बढ़ने लगेगा, छाती पर स्तन का विकास होना शुरू हो जाएगा, कमर भी चौड़ी होने लगेगी। हाँ, और बगल व जननांगों के आसपास बाल भी उगने लगेंगे। इन्हीं बदलावों के साथ साथ कभी कभी तुम्हें तुम्हारी योनि से सफेद गीला पदार्थ निकलते हुए दिखेगा, जिसे योनि स्राव कहते हैं। ये एकदम सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है। दीदी, योनि तो वही जगह होती है ना जहाँ से हम पेशाब करते हैं? नहीं पिंकी, योनि अलग होती है। मैं विस्तार से तुम्हें समझाती हूँ। हमारी टांगों के बीच 3 छिद्र होते हैं। सबसे ऊपर मूत्रमार्ग होता है। इस छोटे छिद्र से पेशाब बाहर आता है। उसके नीचे योनि होती है। यह छिद्र मूत्रमार्ग से थोड़ा बड़ा होता है। बच्चे का जन्म योनि मार्ग से ही होता है। अंत में मल द्वार है। यहाँ से शरीर का मल बाहर आता है। दीदी, लड़कियों की तरह क्या लड़कों में भी बढ़ते वक्त बदलाव होते हैं? बिल्कुल जिया, लड़कों का कद तेजी से बढ़ने लगता है। छाती और जननांगों के आसपास बाल उगने लगते हैं। आवाज में भारीपन आ जाता है और चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है। लड़के और लड़कियाँ दोनों में बढ़ते समय बदलाव होते हैं। अच्छा, अब समझ आ रहा है कि हम बढ़ते क्यों हैं। बहुत अच्छे। अब एक बात बताओ, शरीर को अच्छे से बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? दूध और हरी सब्जियाँ और फल भी। व्यायाम भी करना चाहिए। अरे वाह, तुम सब तो बड़े समझदार हो। सही कहा, अच्छे से बढ़ने के लिए शरीर को बहुत से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर खाने में अलग अलग रंग के फल, सब्जी और अनाज शामिल करें तो सारे जरूरी पोषक तत्व हमें आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा ही एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है आयरन। क्या तुम्हें पता है शरीर को आयरन की जरूरत क्यों होती है? क्यों होती है दीदी? खून में ऑक्सीजन के संचार के लिए आयरन जरूरी होता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर एनीमिया हो सकता है, जिससे आराम करने के बावजूद भी तुम्हें कमजोरी और थकान महसूस होती रहेगी। ओह, लेकिन हमें आयरन मिलेगा कहाँ से दीदी? आयरन मिलता है मटर, पालक, आलू,
दाल, सूखे मेवे और मछली से। और हाँ, अगर आयरन को विटामिन सी युक्त भोजन के साथ खाया जाए तो ज्यादा मात्रा में शरीर में आयरन अवशोषित होता है। विटामिन सी मिलता है आंवला, संतरा, नींबू और आम जैसे फलों से। अरे वाह, आम तो मेरा मनपसंद फल है। खाने की बात करते करते तो भूख लग गई दीदी। हाँ पिंकी, चलो चलकर गर्मा गर्म खाना खाया जाए। खाना खाते वक्त जिया को अपनी अंडरवेयर में कुछ गीलापन सा महसूस हुआ। वो तुरंत बाथरूम गई। बाथरूम पहुंचकर जब उसने अपनी अंडरवेयर में देखा तो वह चौंक गई। उसकी अंडरवेयर में खून लगा था। जिया के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, मगर प्रिया दीदी सब जानती थी। डरने की कोई बात नहीं जिया, तुम्हें पहली बार पीरियड्स हुए हैं, यह बिल्कुल सामान्य बात है। यह सभी लड़कियों और महिलाओं को होते हैं। ये लो सैनिटरी पैड, ये खून को सोख लेगा ताकि तुम्हारे कपड़े खराब ना हो। आप सबके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, है ना? ऐसे ही कुछ सवाल लेकर पिंकी, जिया और मीरा प्रिया दीदी के पास पहुँचे। दीदी, पीरियड्स क्या होते हैं? लड़कियों को खून क्यों निकलता है दीदी? इसमें दर्द भी होता है क्या? सैनिटरी पैड क्या होता है? अरे बताती हूँ, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब एक एक करके दूंगी। पीरियड्स में हर महीने योनि से 3 से लेकर 7 दिनों तक थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पहले दिन खून सबसे ज्यादा निकलता है और धीरे धीरे खून का बहाव कम हो जाता है। आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र में हर लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दीदी, हमें पीरियड्स क्यों होते हैं? पीरियड्स एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पिंकी, जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला है। भविष्य में अगर तुम कभी बच्चों को जन्म देना चाहो तो उसके लिए तुम्हारे शरीर को अभी से तैयारी करनी पड़ती है। पीरियड्स इसी तैयारी का ही नतीजा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है शरीर में बच्चे कहाँ बनते हैं? पेट में? नहीं नहीं, गर्भाशय में। बिल्कुल सही कहा मीरा, गर्भाशय हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है। बढ़ते हुए एक उम्र के बाद हमारा गर्भाशय भविष्य में होने वाले बच्चे के लिए तैयारी करता है। इसके लिए हर महीने गर्भाशय की भीतरी सतह पर खून और नर्म उत्तक की एक परत बनती है। ये परत बच्चे का पोषण करने के लिए जरूरी होती है। लेकिन जब तक आप गर्भवती नहीं होती, तब तक आपके गर्भाशय को यह नर्म उत्तक और खून की परत नहीं चाहिए होती। इसीलिए हर महीने यह परत खून के रूप में योनि से बाहर निकलती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, अब समझ आया कि पीरियड्स में खून क्यों निकलता है। पर दीदी, यह खून निकलने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं मीरा, बल्कि पीरियड्स यह दर्शाते हैं कि तुम स्वस्थ हो और सही तरह से बढ़ रही हो। दीदी, पीरियड्स क्यों होते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या हम पहले से जान सकते हैं कि हमारे पीरियड्स अगली बार कब आने वाले हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। हर लड़की को उसके पीरियड्स नियमित अवधि पर आते हैं। यह अवधि माहवारी चक्र की अवधि होती है। मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर तुम्हारे पीरियड्स 10 जनवरी से शुरू होते हैं और अगली बार तुम्हें 7 फरवरी को पीरियड्स आए, तो तुम्हारे माहवारी चक्र की अवधि 10 जनवरी से 6 फरवरी तक होगी, जो कि कुल 28 दिन है। इसका मतलब तुम्हारा चक्र 28 दिन का है। तुम्हें हर 28 दिन के बाद पीरियड्स होने की संभावना है।
पर याद रहे, हर लड़की के माहवारी चक्र की अवधि अलग अलग होती है। अरे वाह, तो फिर इस तरह मैं पहले से ही पता लगा सकती हूँ कि मुझे अगली बार पीरियड्स कब होंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, मैं अपने अगले पीरियड्स के लिए तैयार रह सकूंगी। हाँ जिया, पर याद रहे, तुम्हें अभी अभी पीरियड शुरू हुए हैं। तुम्हारे शरीर को इस नई प्रक्रिया के अनुकूल बदलने में कुछ वक्त लगेगा। शुरुआत के 1-2 साल तक पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पीरियड्स 10 दिन से ज्यादा चले, या आपके पीरियड्स में इतना खून बहने लगे कि हर घंटे पैड बदलना पड़े, या फिर जमे हुए खून के बड़े बड़े टुकड़े निकले, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लो। दीदी, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, क्या करूं? जिया, पीरियड्स के दौरान काफी लड़कियों को पेट के निचले हिस्से में दर्द या ऐठन महसूस हो सकता है। गर्भाशय खून को योनि से बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियों को दर्द हो सकता है। यह बिल्कुल सामान्य बात है और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लड़कियों को पीरियड्स के दौरान शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से चेहरे पे दाने भी आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, या फिर उनका मूड बनता बिगड़ता है। इन परेशानियों से निपटने के लिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ। हर रोज 1/2 घंटा तेज रफ्तार से चलो। बालासन, तितली आसन और भुजंगासन में बैठकर 5 बार गहरी सांस लो। पेट दर्द होने पर पेट के निचले भाग में गर्म पानी की थैली से सेक करो, खूब सारा पानी पियो और भरपूर नींद लो। माहवारी के सालों में शरीर को सबसे ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, तो आयरन और विटामिन सी युक्त भोजन करने से भी पीरियड्स में होने वाली दिक्कतों से काफी राहत रहेगी। क्या ये पीरियड्स हमें सारी जिंदगी होंगे? नहीं मीरा, पीरियड्स 45 से 55 साल की उम्र के बीच अपने आप बंद हो जाते हैं, इसे मेनोपॉज कहते हैं। तो इसका मतलब हमारी मम्मियों को भी पीरियड्स होते हैं? हाँ पिंकी, जब तक वे 45 से 55 साल की नहीं हो जाती, तब तक उन्हें पीरियड्स आते रहेंगे। मैं तो कहूँगी कि आप लोग अपनी मम्मियों से भी पीरियड्स के बारे में बात करो, क्योंकि अक्सर लड़कियों के पीरियड्स का अनुभव उनकी मम्मियों के अनुभव जैसा होता है। दीदी, आज तो आपने बहुत से काम की बातें बताई, पर ये सैनिटरी पैड क्या होता है? सैनिटरी पैड का इस्तेमाल पीरियड में निकलने वाले खून को सोखने के लिए करते हैं। ये एक लंबी चपटी गद्दी की तरह होती है, जिसे हम अंडरवियर में कुछ इस तरह से लगाते हैं कि पैड के बीच का सोखने वाला हिस्सा पूरी तरह से योनि के मुख को ढक ले। इस तरह ये योनि से निकलने वाले खून को आसानी से सोख लेती है और अंडरवेयर को गंदा नहीं होने देती। पर हाँ, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस्तेमाल करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पैड को हर 6 घंटे में या जितनी जल्दी जरूरत हो उतनी जल्दी बदल लेना चाहिए। पर दीदी, ये सैनिटरी पैड कहाँ मिलते हैं? सैनिटरी पैड आपके घर के आसपास की दुकानों में आसानी से मिल जाएंगे। आप अपने घर में किसी भी बड़े से या अपने दोस्तों से भी पैड मांग सकते हो। पैड को जब पहली बार इस्तेमाल करो, तो उसके पैकेट के ऊपर लिखे निर्देश को जरूर पढ़ना, और अगर कोई दिक्कत हो तो अपनी मम्मी या दीदी की मदद ले सकते हो। पर दीदी, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसका क्या करेंगे? क्या हम इसे धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं मीरा, बाजार में मिलने वाले
ज्यादातर पैड्स का उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। इस्तेमाल किए हुए पैड्स पुराने कागज या अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में डालकर कूड़ेदान को ढक देना चाहिए। इससे किसी भी तरह की बदबू व बीमारियां नहीं फैलेंगी। पैड को कूड़ेदान में फेंकने के बाद हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना बिल्कुल मत भूलना। दीदी दीदी, आपको पता है क्या हुआ? एक बार हमारी स्कूल के टॉयलेट में गंदा पानी भर गया था और टॉयलेट को बंद करना पड़ा था। जब प्लम्बर ने पाइप खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैड्स फंसे हुए थे। अरे बाबा, देखा, इसीलिए कभी भी पैड को टॉयलेट में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पैड टॉयलेट की पाइप में फंस कर उसे जाम कर देती है और गंदा पानी बाहर आ सकता है। जरा सोचो, इससे कितनी दिक्कतें हो सकती है। हाँ दीदी। अच्छा ये बताओ, अगर पीरियड स्कूल में आ गए तो क्या करेंगे? क्या हम छुट्टी ले सकते हैं? नहीं पिंकी, छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में किसी महिला टीचर या स्कूल नर्स के पास जाकर पैड मांग लो। वैसे तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, पर अगर शर्म आए तो कागज में लिखकर उन्हें दे दो। आपके दोस्तों के पास भी पैड होते हैं, आप उनसे भी मांग सकते हो। जब से मुझे पीरियड्स आना शुरू हुए, तब से मैं तो स्कूल की बैग में हमेशा एक सैनिटरी पैड रखने लगी, ताकि अगर मुझे कभी भी स्कूल में पीरियड्स हुए तो मैं झट से उसे अपनी अंडरवियर में लगाकर वापस क्लास में जा सकूं। दीदी, अगर किसी कारण मैं पैड ना खरीद पाऊं, तो ऐसे में क्या करेंगे? जिया, तुम घर में भी आसानी से सैनिटरी पैड बना सकती हो। एक साफ सूती कपड़ा लो, उसे लंबाई में दो बार मोड़कर लंबा आयताकार बना लो। इसे अपनी अंडरवेयर के अंदर सैनिटरी पैड की तरह लगा लो। ये कपड़े का पैड 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पर याद रहे कि इसे हर बार इस्तेमाल करने के बाद साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए और धूप में सुखा देने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। कड़ी धूप में सुखाने पर सूरज की किरणों से काफी कीटाणु मर जाते हैं। ये बात तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी कि पीरियड्स में स्वच्छता बरतना बेहद जरूरी है। पर दीदी, अगर पीरियड्स में स्वच्छता बरतना इतना जरूरी है, तो पीरियड्स में नहाने से मना क्यों करते हैं? मीरा, ये एक गलत धारणा है, बल्कि पीरियड्स में नहाना तो बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बरतने के कुछ उपाय बताती हूँ। पीरियड्स के दौरान दिन में कम से कम एक बार जरूर नहाओ। अपने ब्रा, अंडरवेयर, पेटीकोट इत्यादि धुले हुए ही पहनो और इन्हें हर दिन बदलो। अपने पैड को तो नियमित रूप से बदलना चाहिए। पैड के इस्तेमाल से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से धो लो। टॉयलेट के उपयोग के बाद जननांग वाले हिस्से को पानी से धोया करो और उस हिस्से को हमेशा सूखा रखो। याद रहे, योनि के अंदर साबुन या डिओड्रेंट का इस्तेमाल कभी भी ना करो, क्योंकि योनि अपने आप को खुद ब खुद साफ और संतुलित रखती है। अपने आप को स्वच्छ रखोगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। दीदी, अगर हम पीरियड्स में स्वच्छता बरतेंगे तो अपवित्र भी नहीं होंगे, है ना? मीरा, पीरियड्स में पवित्र या अपवित्र जैसी कोई बात नहीं होती। पीरियड्स तो एक कुदरती प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तुम अपने शरीर के बारे में जितना अधिक जानोगी, तुम्हारा आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और ये सभी गलत धारणाएं भी टूट जाएंगी। पीरियड्स में छोटी मोटी दिक्कतें हर किसी को होती है, इसीलिए पीरियड्स में हमेशा एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे का ध्यान रखो।
दीदी, आज आपने पीरियड्स के बारे में इतनी सारी बातें बताई कि मजा ही आ गया। लेकिन इतनी सारी बातें मैं याद कैसे रखूंगी? मेरे पीरियड्स तो अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। तभी तो मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का खास तोहफा लाई हूँ पिंकी, ये लो। इसमें क्या है दीदी? अरे वाह, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक। हाँ, इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों के द्वारा बहुत ही सरल और मनोरंजक तरीके से पीरियड्स के बारे में सब कुछ समझाया गया है। तुम्हें इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा और ढेर सारी नई बातें भी जानने को मिलेंगी। थैंक यू प्रिया दीदी, मैं, मीरा और जिया सब इसे मिलकर पढ़ेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल।